सेना की एक अदालत ने असम में 24 साल पुराने फेक एनकाउंटर मामले में मेजर जनरल और 6 अन्य सैन्य कर्मियों को दोषी करार दिया है। 1994 में फेक एनकाउंटर में 5 युवकों के मारे जाने के मामले में इन सैन्य कर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। महाराष्ट्र के एक मंत्री ने रविवार को कहा कि बीजेपी सरकार ने राज्य में शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी की अनुमति देने का निर्णय किया है, लेकिन बाद में बयान दिया कि इस संबंध में केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध हो रहा है। पंडलाम के पूर्व राज परिवार के प्रमुख केरल वर्मा राजा ने रविवार को कहा कि सबरीमाला पर हाईकोर्ट का हाल का फैसला श्रद्धालुओं के विरुद्ध है और केंद्र सरकार को अनुयायियों के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी संशोधन करना चाहिए। गुरुग्राम में 13 अक्टूबर को जज की पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या करने के मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस को आरोपी महिपाल के फेसबुक से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसको देखकर इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मर्डर की प्लानिंग पहले से ही की जा चुकी थी। बॉलीवुड में मीटू कैंपेन में कई कलाकार अपने साथ हुई ज्यादती को लेकर खुलासा कर रहे हैं। एक्टर सैफ अली खान ने इस कैंपेन का सपोर्ट किया है, यही नहीं उन्होंने अपने साथ हुए 25 साल पहले के उत्पीड़न का खुलासा किया है। हालांकि उनका ये हैरेसमेंट सेक्सुअली नहीं था। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अगस्त महीने से ही लगातार बढ़ोतरी जारी है। केंद्र सरकार की तरफ से आम आदमी को पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए कदम उठाए गए, लेकिन उसका भी फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा। पश्चिम बंगाल के दमदम इलाके में हुए बम विस्फोट में घायल फल विक्रेता ने रविवार को दम तोड़ दिया। उसका इलाज कोलकाता के सरकारी अस्पताल में चल रहा था। हलदार की मौत के बाद बम विस्फोट में मृतकों की संख्या 2 हो गई है। उल्लेखनीय है कि बम विस्फोट में एक 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हुए थे। आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, जहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से आर्थिक मदद मांग रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक ऑटो रिक्शा चालक के खाते से 300 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला सामने आया है, जिसके बाद पूरे देश में सनसनी मच गई है। जांच एजेंसी FIA ने ऑटो रिक्शा चालक को समन जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा। चालक का नाम मोहम्मद रशीद है और वो कराची का रहने वाला है। एयर इंडिया का विमान मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से उड़ान भरने की तैयारियों में जुटा था कि तभी चालक दल की 53 वर्षीय महिला सदस्य दरवाजा बंद करने के दौरान विमान से नीचे गिर गई, जिसे नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस आलाकमान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को टिकट नहीं देगा। पार्टी का ये फैसला दूरगामी सोच वाला माना जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आपसी खींचतान का अंदेशा होने के कारण पार्टी ने ये कठोर फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर विवाद पर सुनवाई शुरू होने से कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर ने विवादित बयान दिया है। शशि थरूर ने सोमवार को कहा कि अच्छे हिंदू अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहते। शशि थरूर के इस बयान पर नए सिरे से राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। बहुचर्चित केरल नन रेप केस में बिशप फ्रैंको मुलक्कल को केरल हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने कहा कि फिलहाल फ्रैंको की गिरफ्तारी मुद्दा नहीं है। इस मामले में हो रही जांच पर संतुष्टि जताते हुए कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये एक पुराना मामला है, इसलिए जांच में समय लगेगा और आरोपी को जेल में डालने से बड़ा मुद्दा उसे दी जाने वाली अंतिम सजा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक अरुणाचल प्रदेश के अपर दिबांग वैली में घूमते पाए गए। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों का दाखिला होने की ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले साल डोकलाम में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ भी की थी। बावन साल की पत्रकार बाबिता बासु रविवार सुबह अपने नोएडा फ्लैट में मृत पाई गई। पुलिस ने कहा कि वह डायलिसिस पर थी और माना जाता है कि 3 हफ्ते पहले ही उसकी मौत हो गई थी।
राजधानी दिल्ली में हवा के प्रदूषण से निपटने के लिए इमरजेंसी एक्शन प्लान लागू किया जा रहा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि हवा के प्रदूषण को रोकने के लिए सोमवार से इमरजेंसी प्लान लागू किया जाएगा। डॉलर की लगातार बढ़ती डिमांड और कच्चे तेल की कीमतों में आ रही बढ़ोतरी का असर रुपए पर देखने को मिल रहा है। इस साल रुपए में अभी तक 16% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के साथ रुपया 73.80 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर खुला। आज यानी 15 अक्टूबर 2018 से बैंक के मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, वीजा कार्ड चलने बंद हो जाएंगे। ये कंपनियां एटीएम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए भारत में सेवाएं मुहैया कराती हैं। इनके अलावा फेसबुक, पेपल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य विदेशी पेमेंट कंपनियों से भुगतान पर भी असर पड़ेगा। ऐसा इन कंपनियों की ओर से आरबीआई की लोकल डाटा स्टोरेज की नीति को मानने से इनकार करने के कारण होगा। एक्टर विक्की कौशल के पिता और बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर श्याम कौशल पर मीटू कैंपेन की गाज गिरी है। दो महिलाओं ने उन पर शूट के दौरान यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। आरोपों से घिरे श्याम कौशल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुछ क्रू मेंबर ने मुझ पर संगीन आरोप लगाए हैं। अगर मैंने अनजाने में किसी को दुख पहुंचाया हो तो मैं सभी महिलाओं से, प्रोडक्शन हाउस से और फिल्म इंडस्ट्री के हर एक मेंबर से माफी मांगता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने सुझावों को हमें कमेंट के जरिए भेजें।